हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। एंड हम जाने वाले हैं आज गाँव, और इससे पहले हम लोग होली की तैयारियां कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग होली से जो बड़कुले बनाते हैं, वो जो गोबर से बनाते हैं होली पे, वो बना रहे हैं। नानी और प्रतिया बना रही थी, एंड चांद सूरज भी बना रही है। और ये चांद चार है और ढाल है इसमें, एंड होला होली भी बनाएंगे। तो ये कॉटन से इसकी सजावट कर रही है बना के, और सिंदूर है इसमें। ये होली से दो तीन दिन पहले बना रहे हैं क्योंकि सूखने में टाइम लगता है इसको। और ये बोल रहा है कि मेरे को भी खाना दे दो, इसी में बिजी रहोगे कि आप सब लोग, तो इसको भी देंगे अभी। और यहाँ पे दादी जी है, वो रेस्ट फरमा रही हैं। एंड ये हमारे जो सितारा है वो बन के तैयार हो गया है, और अभी हम लोग होली और होला बना रहे हैं। तो उसकी जो आँख वगैरह, उसकी जो सजावट करेंगे, बिंदी लगाएंगे तो इनसे लगाएंगे, काजल भी डालेंगे होली के। ये काजल ले आई मैं। और यहाँ पे होली और इलोजी बना रही है, और यहाँ पे हम लोग डेकोरेशन भी करेंगे इसकी। और इसकी जो ढाल के, वो उसकी डेकोरेशन कर दी है, और होली की वो करेंगे, जो काजल वगैरह डालेंगे, इनका श्रृंगार भी करेंगे। और आप भी बनाते हो क्या कमेंट में करना, क्योंकि हम लोग इसकी फिर माला बनाते हैं, बीच में इसकी छेद निकालते हैं। तो आप भी बनाते हो क्या होला होली और ये चांद सूरज ढाल सभी लोग? हम तो बनाते हैं। और ये हम लोग गांव जाने के लिए तैयार हो गए। हम सिर्फ दो दिन के लिए जाएंगे क्योंकि वहां पे हमें हमारे समाज की धोख लगा के आनी है इसलिए। और मम्मी को आशीर्वाद लेके प्रतिया चल पड़ी, खाना खा रही है, और मैं भी धोख वगैरह लगा ली है मैंने भी। एंड ये दादी जी को आशीर्वाद ले लिया, और अभी हम चल रहे हैं संतोषी माता के धोख लगा के। क्योंकि मेरी वीडियो कम इसलिए बनती है क्योंकि मेरे हाथ में कैमरा होता है, इसलिए मेरी वीडियो कौन बनाए, मैं इसी इसी की बनाती हूँ। और ये हम दोनों बहनों की गांव की तरफ रवानगी होने पर अलग ही खुशी चेहरों पे आ गई है। और हम पहुंच गए हैं अभी पिलानी। पिलानी हम बचपन में काफ़ी स्कूल वाले लेकर आते थे, तो काफ़ी चाव से आते थे। पंचवटी रहा ये यहाँ पे देखने के लिए, अलग से अलग लेवल का ही इंजॉयमेंट हो जाता था कि चाव चढ़ जाता कि हाँ भाई पंचवटी में जाना है। आ गए हैं हमारे अपने शहर में, राजगढ़ में। यहाँ पे हमें खूब सारी शॉपिंग करनी है गणगौर की, क्योंकि गणगौर को हम उजमेंगे अभी आएगी तब, तो इसकी में शॉपिंग करनी है। और ये हमारा रहा बस स्टॉप्स राजगढ़ का, यहाँ पे हम लोग इनको छोड़ के हम लोग निकल गए हैं शॉपिंग करने। यहाँ पे एक थोक की दुकान थी पतली पतली गलियों में जाके, तो हम उसकी क्योंकि हमें बहुत सारा सामान लेना था क्योंकि हम दो बहनें उजमेंगे, तो इसमें 16-16 के पीस लेने थे हमें सारी चीज़ में। हम आपको दिखाएंगे हमने क्या क्या लिया था और क्या क्या लेना होता है इस। तो हम लोग देख रहे हैं क्या चीज़ अच्छी है क्या नहीं। ये हमें 32 लेने हैं वैसे 16-16, लेकिन हम इसमें 12 के दर्जन के हिसाब से हमने 36-36 ले लिए। इसमें ये सीसे हैं, ये लिए हैं हमने, सिंदूर ली है, काजल ली है 36, और कंघे भी 36 लिए हैं, रबड़ भी 36 लिए हैं, 36-36 का पैक लिया है हमने सभी चीज़ें, ये जो भी डालनी होती है उसमें। और यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे में मैं खुद को ढूंढती हुई कि मैं कैसे दिख रही हूँ, प्रतिया क्या कर रही है। और ये मैंने थोड़ी एंकल सॉक्स ली थी, और इसमें हमने बिंदी ली है, एंड ये हमारे 36 ब्लाउज के पीस हैं ये लिए हैं हमने। और इसमें मैंने सोचा थोड़ी सी शॉपिंग और करें, लेकिन सामान इतना हो गया था कि ठीक है बहुत है, इतना बाद में कर लेंगे। हमने गणगौर का सामान ले लिया है सभी लोग, मतलब सभी पीस 36-36 लिए, मैंने लेने थे 32। और यहाँ पे हम लोग कुछ सो गाइस, ये केले संतरों में बार्गेनिंग करती हुई ये लड़की। और हम पहुंच गए हैं अभी घर। यहाँ पे ट्रैक्टर वगैरह खड़े हुए थे, और यहाँ पे दुकान वगैरह और बना रहे हैं अभी, तो ईंटें वगैरह ये इसलिए पड़ी हुई है। और यहाँ पे हमने घर पे आते ही साड़ियों का बाजार खिंडा लिया था कि देखने के लिए कि गणगौर के लिए कौन सी साड़ी लेके आए थे। और यहाँ पे कुछ सूट वगैरह देख रहे थे। और इसी ब्लॉग के साथ करती हूँ टाटा बाय बाय, मिलते हैं।